नमस्कार दोस्तों, देवों के देव महादेव जिन्हें शिव शंकर कहा जाता है, रुद्र कहा जाता है, नीलकंठ भी कहा जाता है। शिव के इतने नाम हैं, उनकी तरह ही उनकी उपासना की जाती है। वैसे तो शिव के 108 नाम हैं और उसी नामों की अगर आप 108 मोतियों की माला होती है जिसे हम जप करते समय हमेशा अपने हाथों में रखते हैं, और जप करते करते भगवान शिव की अगर प्रार्थना कर रहे हैं और आराधना कर रहे हैं तो उसके फल तो अलग ही होते हैं। देवों के देव यानी महादेव को सबसे अलग देवता माना जाता है क्योंकि सभी देवों में ये ऐसे देव हैं जो पर्वत पर रहते हैं अपनी पत्नी और अपने दोनों बेटों के साथ, यानी कि गणेश और कार्तिकेय। ये ऐसे भगवान हैं जो कभी भी किसी महल में नहीं रहे। यदि आपको भी जीवन की कल्पनाएं और जीवन जीने की सीख लेनी है तो भगवान शिव से ही लीजिए। तो आज मैं आपके लिए वही वीडियो लेकर आई हूँ कि जिसके द्वारा आपको पता चलेगा कि भगवान शिव आपको क्या क्या सिखाते हैं। नंबर एक, शिव की जटाएं। शिव की जटाएं हमें समझाती हैं कि आपको किस तरह से एकजुट रहना चाहिए। यदि विद्यार्थी के लिए देखा जाए तो विद्यार्थी के लिए दिमाग और अपनी आत्मा को संतुलित करने के लिए शिव की जटाओं से ही शिक्षा मिलती है, क्योंकि जैसे शिव की जटाएं एक तरह से दूसरी में लिपटी हुई रहती हैं, वैसे ही विद्यार्थी को अपने मन को संतुलित करना चाहिए और अपने दिमाग और आत्मा को संतुलित करना चाहिए जिससे कि उन्हें अपनी पढ़ाई में कोई भी परेशानी ना हो। भगवान शिव की तीसरी आँख। भगवान शिव की तीसरी आँख हमें ये बताती है कि हमने अपने दिमाग में क्या सोचा हुआ है। हमने कभी देखा होगा कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं लेकिन कभी उसे हासिल करने की कल्पना नहीं करते, सिर्फ अपनी कल्पनाओं में ही खोए रहते हैं कि हमें ये चीज़ पानी है या वो चीज़ पानी है, लेकिन उसे पाने के लिए आपको कर्म करने पड़ेंगे और कुछ कोशिशें करनी पड़ती हैं। तो भगवान शिव की तीसरी आँख हमें यही बताती है कि जब आप अपनी तीसरी आँख यानी कि अपने माथे के बीचों बीच नाक से ऊपर जो हिस्सा है उस पे अपना ध्यान केंद्रित करोगे तो उससे पता चलेगा कि आपको क्या करना है जिंदगी में, और उससे ही आपको नई शिक्षा और नए अवसर भी प्रदान होंगे। त्रिशूल। भगवान शिव का जो त्रिशूल होता है वो हमें बताता है कि हमें अपने अहंकार पर कैसे काबू करना चाहिए। आपने खासकर देखा होगा जो लोग परेशानियों से लड़कर उस तरक्की को पाते हैं और ऊंचाई को छू लेते हैं, उसके बाद उसके मन में एक अहंकार आ जाता है जिसकी वजह से वह इतना अहंकारी हो जाता है कि वह किसी और को अपने आगे कुछ समझता ही नहीं है। यदि वह व्यक्ति उस चीज को पाने के बाद भी अपने अहंकार को काबू में रखता है तो वह शिव का सबसे अच्छा और सबसे प्यारा भक्त होता है। ध्यान मुद्रा। भगवान शिव को हमने कभी भी देखा है वह हमेशा ध्यान मुद्रा में ही रहते हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि इंसान को अपने दिमाग और आत्मा की शांति चाहते हैं और संतुलन करना चाहते हैं तो उसके लिए वह ध्यान करें। हमने सुना भी है कि योगा करने से भी हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं, तो भगवान शिव भी वैसे तो पुरातात्विक थे लेकिन अगर हम उनके नियमों पर भी चलते हैं तो हमें भी कई फायदे होते हैं। यदि हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो उससे हमारे स्वास्थ्य अच्छा रहता है और हमें कोई भी बीमारी नहीं सताती। भगवान शिव को आपने कई बार देखा होगा कि वह अपने शरीर पर राख लगाते हैं, तो वह राख के क्या बेनिफिट है। हम लोग भी अपनी त्वचा को निखारने के लिए, चाहे वे औरतें हों या फिर पुरुष, सभी अपनी त्वचा को निखारने के लिए महंगे महंगे प्रोडक्ट लगाते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन वह अस्थायी होता है, मतलब कि वह ज़्यादा देर तक नहीं रहता। भगवान शिव जो राख लगाते थे वह स्थायी था क्योंकि वह चेहरे पर ग्लो लेकर आता था और उससे कई बेनिफिट भी होते थे। तो इसलिए कहा जाता है यदि आप जीना सीखना चाहते हैं तो शिव से सीखें, क्योंकि शिव हमें सिखाते हैं कि जिंदगी क्या है और उसे किस तरह से जीना चाहिए। नीलकंठ। नीलकंठ भगवान शिव का ही एक नाम है। वह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान शिव ने हरहर विष जो समुद्र मंथन के दौरान निकला था वह विष उन्होंने ग्रहण कर लिया, और ग्रहण करते वक्त वह उनके कंठ में ही रुक गया जिस कारण से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। लेकिन नीलकंठ के नाम से हमें बहुत सारी विशेषताएं पता लगती हैं, जैसे कि अपने गुस्से पर क्रोध रखना चाहिए। भगवान शिव का क्रोध तो हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव का जब तक क्रोध अंदर है तो किसी को नुकसान नहीं होता, वह सिर्फ अंदर ही रहता है। जैसे ही बाहर निकलता है तो दूसरों को ज़्यादा प्रभावित करता है और हानिकारक तक भी हो सकता है। जैसे कि हम जानते ही हैं कि भगवान शिव के दौरान कितने सारे हादसे हुए। अगर भगवान शिव को गुस्सा आता है तीसरी आँख हम लोगों को प्रभावित कर देती है, तो ऐसे ही हमारा भी गुस्सा होता है। यदि गुस्सा हमारे अंदर रहता है तो वह किसी को नुकसान नहीं देता बल्कि हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है। यदि अगर वह गुस्सा बाहर निकल आता है तो दूसरे को हानिकारक यानी कि हानि पहुंचा सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान शिव से अपने क्रोध को काबू में रखना सीखें। तो ये हैं भगवान शिव की विशेषताएं। यदि आप भगवान शिव के कदमों पर चलते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां और समस्याएं दूर हो सकती हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।